हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मोटो के G72 फ़ोन के बारे में। एंड इसके अपने टॉपिक होने लगे इसके अपने फ़ोन में ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग को गाइस कैसे ऑन करेंगे, देन आपको अपने फ़ोन में ऑप्शन कहाँ पर मिल जाएगा। अगर गाइस आपके फ़ोन में जो है अगर ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करते वक्त अनाउंसमेंट हो रही है गाइस, तो आप उसकी प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं गाइस अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आपको गाइस अपने फ़ोन के कॉलिंग को ओपन करना है, देन गाइस आपको चले जाना है थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग में। अब गाइस देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पे देखिए नंबर नॉट इवन कॉन्टैक्ट पर ऑप्शन पर आपको इनेबल कर लेना है। इस प्रकार से एलवाइज रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेना है। देन गाइस आपको नीचे में देखिए सिलेक्ट नंबर का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको यहाँ पे अगर नंबर को सिलेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर आपको जो है ऑल नंबर पर क्लिक करना है तो इस प्रकार से इसको ऑन करके एलवाइज रिकॉर्ड पे क्लिक कर लेंगे। तो गाइज आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग इनेबल हो चुकी है। अब गाइज जब भी आप अपने फ़ोन में जो है कॉल को रिसीव करेंगे तो आपके फ़ोन में गाइज ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। गाइज आपको यहाँ पे देखिए डिलीट रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से इस रिकॉर्डिंग को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर गाइज अब बात करें गाइज अपने फ़ोन में जो है अनाउंसमेंट के, तो गाइज आपके फ़ोन में बिल्कुल भी अनाउंसमेंट नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। तब इस प्रकार से जो है रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई दिक्कत जारी कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक ले बाय।